हमीरपुर जिला के टिक्कर खत्रियां के सीआरपीएफ जवान के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद होने से नववर्ष की खुशियां मातम में बदल गई। जानकारी के अनुसार टिक्कर खत्रियां पंचायत के कुलदीप राय उम्र 56 साल रविवार को कश्मीर के पुलवामा जिले के लोथपोला स्थित सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। परिवार के लिए जहां नए साल पर बधाई मिलनी थी, वहीं मौत की सूचना मिलने से पूरा परिवार सदमे में है। इस हमले में हिमाचल के जवान सहित 5 जवान शहीद हुए हैं और 12 घंटे तक चली मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए हैं। शहीद कुलदीप राय का पार्थिव शरीर दोपहर बाद जैसे ही गांव में पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो गया। पैतृक गांव के शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कुलदीप का अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर भोरंज की विधायिका कमलेश कुमारी, एसपी रमन कुमार मीणा, कांग्रेस नेता सुरेश कुमार, पूर्व एमएलए अनिल धीमान, एसडीएम भोरंज नरेंद्र कुमार के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। शहीद कुलदीप राय के बेटे मिथिलेश ने कहा कि मेरे पिता ने शहादत का जाम पिया है और मुझे उन पर गर्व है। जैसे पापा तो अब नहीं रहे, मेरे को गर्व है कि हाँ पापा सीआरपीएफ में थे, वो तो उधर शहीद के, मेरे को गर्व है अपने पापा के ऊपर। पूर्व विधायक अनिल धीमान ने कहा कि बहुत ही शोक का संदेश है और सभी इनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शोक का संदेश था जब ये पता लगा कि हमारे एक इसी पंचायत के नौजवान को जो सीआरपीएफ में था उसको गोली लगी है, और उसके बाद जब इसकी मौत का समाचार मिला तो पूरा हमारा जो गांव था, पूरी पंचायत थी, पूरा जो क्षेत्र था वो शोक संतप्त हो गया। मैं हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं परिवार के साथ, और ये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मरने वाली आत्मा को शांति और बाकी परिवार को साहस ये मिला। कांग्रेसी नेता सुरेश कुमार ने शहीद कुलदीप की कुर्बानी पर शोक व्यक्त किया और शोक में डूबे परिवार के लिए भी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पूरे भोरंज को गौरव है कि देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। कुलदीप चंद जो हमारे इस टिक्कर खत्रियां गांव के जवान शहीद हुए, उनके इस साहस भरे जो उनका कदम था, इसके लिए मैं शोक प्रकट करता हूं। इनकी शहादत पे मैं शोक प्रकट करता हूं और शोक संतप्त परिवार के लिए मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूं। आज जिस तरीके से ये हादसा हुआ, आज पूरा भोरंज क्षेत्र जो है वो बड़ा शोक संतप्त है, और वहीं दूसरी तरफ हमें गौरव भी महसूस हो रहा है कि हमारे इस क्षेत्र का जो जाबाज था उसने देश के खातिर अपनी कुर्बानी दी। हम इस शोक संतप्त परिवार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बता दें कि कुलदीप राय ने 2 साल बाद रिटायरमेंट आना था और कुलदीप अभी 2 दिसंबर को ही छुट्टी काटकर वापस किया था। परिवार में घर में मां, पत्नी और 3 बेटे हैं, जिनका सूचना मिलने के बाद बुरा हाल है।